पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कराहल ब्लॉक के ग्राम मोरावन पहुंचकर की चुनावी सभा। सैकड़ों की संख्या में भीड़ मौजूद। विजयपुर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार करने के लिए रविवार को कराहल क्षेत्र के दौरे पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह आए थे। जगह जगह उन्हें प्रत्याशी के समर्थन में नुक्कड़ सभाएं की और आमजन से मिली। इस क्रम में ग्राम मोरावन में पूर्व सीएम ने चुनावी सभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने बीजेपी सरकार पर खूब जुबानी हमला बोला। श्री सिंह ने कहा कि यह उपचुनाव नहीं होना चाहिए था, मगर हो रहा है क्योंकि यहां की जनता ने कांग्रेस पार्टी को अपना अमूल्य मत देकर रामनिवास रावत को यहां से विधायक चुना था, मगर वह उन सभी मतदाताओं को धोखा देकर निजी स्वार्थ वश बीजेपी में जा मिले। अब उन्हें सबक सिखाने का वक्त आ गया है। इस बार फिर से कांग्रेस को वोट देकर उन्हें घर बैठा देना है। कार्यक्रम में कई लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ली और कांग्रेस को जिताने का संकल्प लिया। इस दौरान मोरावन में कांग्रेस नेता महेश गुर्जर के निज निवास पर पूर्व सीएम और पूर्व सांसद कांतिलाल भूरिया और पधारे हुए सभी नेताओं के लिए भोजन का प्रबंध किया गया। श्री गुर्जर के निज निवास पधारे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, उनके परिवारजन से मिले और दुर्घटना में घायल हुए भतीजे का हालचाल भी जाना, क्योंकि अभी हाल ही में कांग्रेस नेता महेश गुर्जर के भतीजे को एक्सीडेंट में गंभीर चोटें आई हुई थी, जिनका जटिल उपचार करवाया गया था। कराहल संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट।